Welcome friends, the question is which of the following number can be placed at the sign of interrogation. मतलब ये है कि ये जो interrogation sign है, question mark है, इसकी जगह कौन सा number लिखा जा सकता है. ठीक है, तो चलिए इसको solve करते हैं. सबसे पहले यहाँ 1, 2, 3, 4 लिखा गया है और यहाँ 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है. तो यहाँ 2, 3, 4, 5 होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इन पांचों नंबर के बीच रिलेशन है. ठीक है, यानी ये चारों नंबर और बीच में जो नंबर सर्कल के अंदर है उनके बीच रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, तो उस रिलेशन को हम लोग फाइंड कर लेते हैं और उसी रूल से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे. 1² + 2² + 3² + 4² बाहर में जो भी नंबर है सभी का स्क्वायर का सम फाइंड कर लेते हैं. तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2² = 4, 3² = 9, 4² = 16, 1, 4, 5, 9, 14, 16, 30. तो इस सर्कल के अंदर 30 है. अब इस वाले फिगर में देखते हैं, 3² + 4² + 5² + 6² 3² = 9, 4² = 16, 5² = 25, 6² = 36. 9 और 16 होता है 25, 25 = 50, 50 = 36, 86. तो इस सर्कल के अंदर भी 86 है. इसका मतलब है इसी रूल से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं. 2² + 3² + 4² और यहाँ पे जो नंबर नहीं है, ये जो इंटरोगेशन साइन है, इसकी जगह हम लोग ले लेते हैं x. तो x² सभी का सम क्या होना चाहिए? 78, क्योंकि इसमें सभी का सम हो रहा था सर्कल के अंदर वाला नंबर. तो ये हो जाएगा 78. 2² = 4, 3² = 9, 4² = 16 प्लस x² = 78. 4, 9, 13, 16, 29 प्लस x² = 78. x² = 78 - 29 = 49. ठीक है, यानी x² का वैल्यू आ रहा है 49. x² = 7. इसका मतलब है कि इंट्रोगेशन साइन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7, क्योंकि हमने इंट्रोगेशन साइन को ही x माना था. तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें.